हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सी टेट 2022 यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2022 का नोटिस जो है वो आ चुका है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जो है पता लग जाए। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है वो बताने से पहले मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन जो है मेरा विजिबल हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये ऑफिशियल जो लिंक है इस पर जाना है। ये लिंक है आपका, यहाँ पर आपको विजिट करना है। आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इस लिंक पर जाएंगे तो या तो आपको अपने डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड के साथ। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है तो ये ऑप्शन आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर दी, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उनको रीड कीजिए। ये डिक्लेरेशन है, इस पर टिक कीजिए, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब आपको अपना नाम डालना है, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, आइडेंटिटी टाइप। आप जो आइडेंटिटी यहाँ पर देना चाहते हैं, DL, वोटर कार्ड, वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और उसका नंबर डालिए। फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, हाउस नंबर, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। और इसमें कोई भी गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि इस कम्युनिकेशन जो है वो आपका इन्हीं जरियों से होगा, इन्हीं माध्यमों में से होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो भी वही डालिएगा जो आपकी एक्टिव हो, तो इनमें कोई गलती मत कीजिएगा। फिर अपना परमानेंट एड्रेस डालिए, अगर दोनों सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर टिक कर दिए, दोनों एड्रेस आपके सेम टू सेम फिल हो जाएंगे। एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कीजिए फ्यूचर लॉगिन के लिए, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन बताइए, उसका आंसर कीजिए, सिक्योरिटी कोड बैक बॉक्स में डालिए और फिर सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका एक फॉर्म का फिर प्रीव्यू आएगा, ये सारी चीज़ें इस पर टिक कीजिए, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपने जो फिल करी हैं वो सही हैं। फिर ये डिक्लेरेशन है, इसमें आई एग्री पर टिक कीजिए और सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कीजिए। OTP आएगा, OTP वेरीफाई कीजिए। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपका जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गया है। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले नेशनलिटी, फिर कैटेगरी, फिर PWD कैंडिडेट है तो वो बताइए, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताइए, मदर का नाम वगैरह आपका ऑलरेडी फिल है यहाँ पर, सिक्योरिटी पिन बॉक्स में डालिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, किस पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बताइए, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, लैंग्वेज 1 और 2, फिर पेपर 2 के सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो आपके पास है जो है उन पर टिक कीजिए, सिक्योरिटी पिन फिर से बॉक्स में डालिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालिए, पास स्टेटस क्या है, पास है अपीयरिंग वो बताइए, कब पास किया वो बताइए, कोर्स का नाम बताइए, किस यूनिवर्सिटी से किया वो बताइए, रिजल्ट मोड बताइए, परसेंटेज था या क्या था जो भी, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने आपने ऑब्टेन करे, परसेंटेज क्या है, इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है वो बताइए, फिर डिग्री की क्वालिफिकेशन बताइए, पास नहीं है अपीयरिंग है, कब पास किया, कोर्स का नाम बताइए, बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे, परसेंटेज क्या है, इंस्टीट्यूट का पिन कोड, ये सारी जानकारी दीजिए, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का आपको एक फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। फोटो जो है 10 to 200 KB होना चाहिए और सिग्नेचर जो है आपका 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। फिर आपको एग्जाम सिटी की जानकारी देनी है। सबसे पहले एग्जाम किस स्टेट में जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए, फिर एग्जाम सिटी जो है वो यहाँ पर फिल करना है। एग्जाम सिटी जैसे स्टेट मैंने जो है उत्तर प्रदेश और एग्जाम सिटी जो है वो कानपुर सेलेक्ट किया। यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी, एग्जाम सिटी का कोड आ गया, कितनी कैपेसिटी है वो यहाँ पर आ गई है, 46,322 की है, जिसमें 49,940 जो है ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और 41,382 वैकेंट हैं। अगर ये वैकेंट पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेंटर नहीं मिलेगा कानपुर में। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का सारे जो आपके फॉर्म का प्रीव्यू है उसको एक बार चेक कर लीजिए, कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद फिर जो पर्टिकुलर्स हैं इनमें आपको टिक करना है, यानी आप ये चेक कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हैं सारी डिटेल्स आपने फिल जो करी हैं वो बिल्कुल सही हैं, जैसे कि माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, PWD, एग्जाम सिटी, ये आपने जो फिल करे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आप इनको आगे जाके चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर ये डिक्लेरेशन है, 6 लाइन का है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आई एग्री पर टिक कीजिए और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर टिक कीजिए। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपका जो है वो टिक हो गया है। अब यहाँ पर आपको 1,000 रुपये का पेमेंट जो है वो करना है। तो देखिए, पेमेंट सिर्फ आपका इनकम्प्लीटेड है, तो अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए और एडिट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड,
क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो ईमेल आईडी जो है उसको वेरीफाई कीजिए। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका पूरा हो गया है, सिर्फ आपका क्या बाकी है, ईमेल आईडी वेरीफाई होना, इसको वेरीफाई कीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है फी पेमेंट का, फी पेमेंट पर क्लिक कीजिए। 1000 रुपये का जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं जिस मोड से चाहें। पेमेंट कंप्लीट होने के साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है अप्लाई करने का सीटेट 2022 में। सीटेट दिसंबर 2022 का नोटिस जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब यहाँ पर बात आती है प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है इंडिया की बेस्ट सुपर टीचर्स की। ये देखिए कोर्स बाय सुपर टीचर्स अलॉन्ग विद कंप्लीट स्टडी मटेरियल लाइव क्लासेस एंड मॉक टेस्ट। यहाँ पर आपको प्रतीक सर, गुफरान सर, राम कुमार सर, स्वाति शर्मा मैम, इन सभी की जो है गाइडेंस में तैयारी करने का मौका मिलता है। यहाँ पर आपको 10+ कोर्सेज मिलते हैं सुपर टीचर्स के, फुल और सब्जेक्ट कोर्सेज रहते हैं, आपका जो है सभी पेपर की तैयारी होती है, सीटेट का जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो कवर होता है, डेली लाइव क्लासेज जिसमें डाउट, रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर शामिल रहते हैं, वीकली लाइव क्लासेज मिलती हैं, करंट अफेयर्स के स्ट्रक्चर स्टडी नोट्स मिलते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिलता है आपको, एग्जाम ओरिएंटेड जो है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, और ये सब कुछ आपको बहुत ही किफ़ायती रेट पर मिलता है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका है 2999 का। यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, अनुराग कूपन कोड लगाती आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 1949 रुपये में आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिल रहा है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। 200 रुपये प्रति महीने से भी कम में आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सीटेट का। तो अभी इनरोल कीजिए, अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कीजिए। तो ये थी जानकारी सीटेट दिसंबर 2022 की, जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आपको रजिस्टर करना है वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट जो अप्लाई करने वाले हैं वो एक बार इस वीडियो को देख लें, ताकि जब वो खुद अप्लाई करें तो उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए सेशन को खत्म करते हैं, आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।